SSB2 सक्सेस के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी आने वाली वीडियोस के अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। Why do you want to join Indian Army? Sir, I want to win Param Vir Chakra। कुछ इस तरह SSB इंटरव्यू में इंटरव्यूअर के सवाल का जवाब दिया था शहीद मनोज कुमार पांडे ने। कैप्टन मनोज कुमार पांडे इंडियन आर्मी की 1/11 गोरखा राइफल्स रेजिमेंट में पोस्टेड थे, जिन्होंने 1999 में हुए कारगिल के युद्ध में अपनी वीरता और शौर्य का अतुलनीय उदाहरण दिया और परमवीर चक्र से सम्मानित किए गए। आज इस वीडियो में हम आपको शहीद कैप्टन मनोज पांडे के बारे में कुछ रोचक बातें बताएंगे। मनोज पांडे का जन्म 25 जून 1975 को सीतापुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता का लखनऊ में ही एक छोटा सा बिजनेस था। मनोज कुमार पांडे अपने परिवार में सबसे बड़े थे। उन्होंने अपनी स्कूलिंग उत्तर प्रदेश के सैनिक स्कूल से की। पढ़ाई के साथ साथ उनका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स, बॉक्सिंग और खासकर बॉडी बिल्डिंग में था। 1990 में मनोज कुमार पांडे को NCC कैडेट ऑफ जूनियर डिवीजन ऑफ उत्तर प्रदेश डायरेक्टरेट का पुरस्कार भी दिया गया था। अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद उनका सिलेक्शन नेशनल डिफेंस एकेडमी में हो गया था, जहां उन्होंने 19th कोर्स के अंतर्गत अपनी ट्रेनिंग पूरी की और 11 गोरखा राइफल्स को ज्वाइन किया। NDA की SSB इंटरव्यू के दौरान ही जब मनोज कुमार पांडे से पूछा गया कि आप इंडियन आर्मी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा, आई वॉन्ट टू विन परमवीर चक्र, और अपने उन्हीं शब्दों को शहीद कैप्टन मनोज कुमार पांडे ने पूरा भी किया। 1999 में हुए कारगिल युद्ध के दौरान इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन विजय चलाया था। कारगिल युद्ध के दौरान कैप्टन मनोज पांडे ने बैटलिक सेक्टर से दुश्मनों को पीछे खदेड़ने में अहम भूमिका निभाई। साथ ही कैप्टन मनोज पांडे ने जूबर टॉप पर भी भारत का झंडा लहराया। 3 जुलाई 1999 को जब कैप्टन मनोज पांडे अपने आखिरी लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे थे, तभी दुश्मनों ने उन पर अंधाधुंध गोलाबारी कर दी। मनोज कुमार पांडे बड़ी ही सूझबूझ से अपनी प्लाटून को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया और दुश्मनों को दूसरी छोर से धर दबोचने की तैयारी की। अपने इसी लड़ाई के दौरान उन्हें कंधे और पैरों पर चोटें आईं, परंतु अपनी चोटों की परवाह ना करते हुए मनोज पांडे आगे बढ़ते गए। इसी दौरान उन्हें ग्रेनेड का सामना भी करना पड़ा, जिससे उनके माथे पर गहरी चोट आई। अपनी अंतिम लड़ाई के दौरान उनके आखिरी शब्द थे, ना छोड़ना। इस तरह 3 जुलाई 1999 को भारत ने एक और वीर सपूत को खो दिया। कैप्टन मनोज कुमार पांडे को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कैप्टन मनोज पांडे को हमारा शत शत नमन। जय हिंद।